आज हम बहुत टेस्टी बहुत यम ब्रेकफास्ट बनाने वाले हैं। पक्का से आप इसके फैन हो जाओगे। सबसे पहले आपको एक बॉल लेना है, उसमें डालना है आपने आटा, नॉर्मल आटा। उसके बाद डालेंगे उसमें सॉल्ट, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और उसको अच्छे से गूंद लेंगे, जैसा मैं आपको गूंद के दिखा रही हूँ। ठीक है, सॉफ्ट सा डो आपने तैयार कर लेना है, बढ़िया सा एकदम। उसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। उसके बाद एक बॉल लेंगे जिसमें 3 आलू ऑलरेडी बॉइल करके रख लिए थे, उसको अच्छे से मैश कर लेंगे इस तरीके से। मैश करने के बाद यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, 2 कटी हुई प्याज इस तरीके से डाल देंगे। उसके बाद में अपने आलू में हम डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, कोरिएंडर पाउडर। उसके बाद साथ साथ हम इसको रोस्ट करते जाएंगे प्याज को भी। देखिए जैसे ब्राउन हो गए हैं, एक्जैक्टली हमें ऐसे ही चाहिए। और हम इसको आलू जो कद्दूकस करते हैं उसमें ऐड ऑन कर देंगे, जैसा कि मैं करके दिखा रही हूँ। हरा धनिया ऐड करेंगे और इसका मिक्सचर अच्छे से तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम अपने जो आटा गूंदा था इस तरीके से उसके हम लोई बनाकर पतली पतली रोटी बेल लेंगे, जैसा मैं आपको बेल के दिखा रही हूँ। और इसको सेक लेंगे, कच्चा पक्का ही सेकना, आपने प्रॉपर नहीं सेकना है, इस बात का ध्यान रखिए। फिर इसको एक प्लेट में रख दीजिए। उसके बाद इस तरीके से हम इसमें सॉस लगाएंगे और फिर आलू की स्टफिंग को इस तरीके से रख देंगे। देन उसके बाद हम चीज ग्रेट करा हुआ इसमें ऐड ऑन करेंगे और रोटी को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। उसके बाद हल्का हल्का इसको हम इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो ये झटपट पिज्जा बनकर तैयार है और ये इतना यम है ना सच्ची में। मैं तो चली से खाने, आप भी इसे एंजॉय करें।